के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भी लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना का नेतृत्व कर रहे राम जन्म ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे उसके गुंडे साथियों ने जिस तरह से यह कातिलाना हमला किया उससे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की यह गहरी साजिश दिखती है। अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। राम जन्म संयुक्त किसान मोर्चा अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन में अफलातून सतीश सिंह, नूर फातिमा, नंदलाल शास्त्री, कृपा वर्मा, देवी शंकर सिंह, लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, श्यामलाल सिंह, शिवशंकर शास्त्री आदि उपस्थित थे। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना घटी है, 5 किसान शहीद हुए हैं और जिस तरह से किसानों को इस सत्ता के गृह मंत्री के बेटी द्वारा गाड़ियों से रौदा गया है, रौद के मारा गया है, ये जो सत्ता की क्रूरता है, बर्बरता है, उसका परिचायक है। उसके विरोध में आज हम लोग देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सच के साथ।